सोलन में दो महिलाएं और बद्दी में एक युवक कोरोना पॉजिटिव आया है। ये महिलाएं दिल्ली से सोलन आई थी, लेकिन ये महिलाएं संस्थागत क्वारंटीन होने के बजाय सीधा अपने घर चली गई थी। इन महिलाओं के मकान मालिक ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत इन लोगों को संस्थागत क्वारंटीन कर दिया। जब इनका टेस्ट करवाया गया तो उनका टेस्ट कोरोना पॉजिटिव पाया गया। फिलहाल दोनों महिलाओं को नोनी के कोविड केयर सेंटर में भेज दिया गया है। जिला स्वास्थ्य विभाग उन लोगों की सूची बना रहा है जो लोग इन महिलाओं के संपर्क में आए थे। आवश्यकता पड़ी तो उन लोगों के भी टेस्ट करवाए जाएंगे। अधिक जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उपल ने बताया कि दो महिलाएं कोरोना पॉजिटिव आई हैं। ये दोनों महिलाएं सोलन की हैं जो दिल्ली से आई थी। उन्होंने कहा कि इन्हें राधा स्वामी सत्संग क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। उन्होंने बताया कि इन महिलाओं से सीधे संपर्क में आने वाले लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है और अभी तक करीबन 30 लोगों को सूचीबद्ध कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि वहीं बद्दी में एक युवक जो यूपी से आया है, वह भी कोरोना पॉजिटिव आया है। उन्होंने बताया कि ये युवक भी संस्थागत क्वारंटीन किया गया था। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि वे जो भी सावधानियां बताई जा रही हैं, वे उसे अपनाएं और सुरक्षित रहें। ये जो केसेस पॉजिटिव आए हैं, दो सोलन के आए हैं, ये इनके घर तो शिल्ली रोड पे हैं, पर इनको हमने क्वारंटाइन इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन राधा स्वामी सत्संग अंजी में किया हुआ है। इनकी दिल्ली से हिस्ट्री है। जैसे पता लगा, पहले ये अपने घर आ गए थे, पर हमने जैसे पता लगा तो हमने इनको आइसोलेट करके इनके इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन कर दिया। संपर्क हमने 30 के करीब आ गए हैं, उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हम निकाल रहे हैं। अभी उनकी लिस्टें बन रही हैं, उस जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से हम उनके टेस्ट कर लेंगे। और साथ में जो बद्दी में पॉजिटिव आया है 15 साल का लड़का, उसकी हिस्ट्री यूपी से आने की, वो भी हमारे क्वारंटाइन सेंटर में था, तो उसका भी हम प्रॉपर उनको हमने उधर अपना नालागढ़ में जो लेबर हॉस्टल है उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया है। और जो ये अपने नौनी में ये पॉजिटिव आए हैं इधर सोलन में, इनको नौनी में शिफ्ट कर दिया।